लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रतापगढ़ में शहर कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। AICC सदस्य सुरेंद्र चंडालिया की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित की गई बैठक में भाजपा और RSS से जुड़े सरकारी कर्मचारियों पर लगाम लगाने के लिए चर्चा हुई। साथ ही जनता की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के विषय में मंथन किया गया। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चंडालिया ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट से जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत की दावेदारी का पहले ही समर्थन किया जा चुका है। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो सके, इसलिए कार्यकर्ताओं को अभी से तैयार रहना है। विधानसभा क्षेत्र में आमजन की जो समस्या है उनका सर्वे कर विधायक रामलाल मीणा तक पहुँचाना है, ताकि उनका जल्द से जल्द समाधान हो सके और इसका सीधा सीधा फायदा चुनाव में मिल सके। इस दौरान चंडालिया ने कहा कि जिले में कई सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो भाजपा और RSS का खुलकर काम कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारी की सूची बनाकर उन पर लगाम लगाने की कार्रवाई अब की जाएगी। शहर अध्यक्ष उदयलाल अहीर ने भी बैठक में अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में केवल लोगों को गुमराह करने का काम किया है, लोगों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आमजन की समस्या के निराकरण के लिए तत्पर रहकर काम करना है। इस मौके पर जिला स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। माननीय विधायक मोदी के निर्देशानुसार पूरे प्रतापगढ़ विधानसभा में जहाँ जहाँ पे भी पानी की समस्या और सड़क की समस्या, मुख्य रूप से दो समस्याओं को निर्देशित किया गया कि उनका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। तो उसी संदर्भ में एक नगर कांग्रेस की भी मीटिंग की गई, जहाँ पे नगर के सभी वार्डों के कार्यकर्ताओं को और पार्षदों को बुलाया गया। मूल रूप से आपकी कहाँ कहाँ समस्या है, तो हम उन लोकसभा चुनाव के पहले पहले उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें, ताकि जनता को भी सुविधाएँ मिले और उसका पार्टी को भी लाभ मिले।